ओके डन एवरीवन, लिख लिया? हां जी, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री. किस किस का क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया बेटा? किस किस का क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया? बाकी और किसी का नहीं हुआ? गुड. एक बार देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर थ्री वॉज एग्जैक्टली सेम जो हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल किया था, जिसमें लेंथ को डबल कर दिया था, सॉरी लेंथ को हाफ कर दिया था, एरिया को डबल कर दिया था, राइट. इसमें भी यही करना है. एक 6 ओम रेजिस्टर है, उसको डबल कर दिया फोल्ड करने से. एक वायर थी, उसको फोल्ड कर दिया. द टाइम आपने उसको फोल्ड कर दिया तो उसकी लेंथ को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, है ना. अगर आपने उसको फोल्ड किया, अगर पहले लेंथ एल थी तो अब जो नई लेंथ आएगी एल प्राइम, वो क्या हो जाएगी? एल बाय टू हो जाएगी. और फोल्ड करने से डायमीटर भी क्या हो गया? डबल हो गया. एरिया भी क्या हो गया? डबल हो गया. तो जो पहले एरिया ए था, अभी जो नया एरिया आ गया वो 2a हो गया. अगर पहले रेजिस्टेंस r रो l बाय a थी तो नई रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? रो l प्राइम बाय a प्राइम. नई रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? रो l प्राइम बाय a प्राइम. करिए जरा मेरे साथ सब्स्टिट्यूट. l प्राइम की जगह क्या लगाएंगे? l बाय टू. a प्राइम की जगह क्या लगाएंगे? 2a. सो दिस कम्स आउट टू बी रो l अपॉन 4a. और रो एल अपॉन ए क्या है मेरी? पहले वाली रेजिस्टेंस. सो विच कुड बी रिटन एज आर बाय फोर. और पहले रेजिस्टेंस कितनी दी है? 6 ओम. अगर पहले रेजिस्टेंस 6 दी है तो 6 अपॉन 4 विल गिव मी 1.5 ओम. नई रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? 1.5 ओम. सबका सॉल्व होता है. ठीक है, नोट करना है या नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? ठीक है, लिख लो, फिर उसके बाद अगला करते हैं. मैंने पिछली क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे दिए थे जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, और अब मैं आगे से वैसे ही क्वेश्चंस दूंगी जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे. ठीक है, तो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे. ऐसा जरूरी नहीं है सारे आपको पहले दिन में ही समझ में आ जाए, है ना. तो अब जो क्वेश्चंस आपको रोज मिलेंगे, 8-8, 10-10 क्वेश्चंस, वो सब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पहले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. सो डोंट वरी, अगर उसमें से आपसे 4 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद अगर हम 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं तो इट्स गुड. बाकी रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. डन. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर By increasing length. अगर मैं length बढ़ाती हूं तो resistance क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. Yes. Resistance is directly proportional to L. तो अगर L increases, R increases. पहला part. Moving to second one. Second one में क्या दिया था हमने? Increasing the diameter. मैंने diameter को बढ़ा दिया. Diameter मतलब डी, मतलब कि रेडियस. डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर एरिया इंक्रीज होगा, डायमीटर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस, वेरी गुड, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी. परफेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट. What is the third part? Increasing the temperature. चलिए, अब अगर मैंने temperature को बढ़ाया, क्या होगा अगर मैं temperature को बढ़ाती हूं तो? Temperature बढ़ाने से क्या होगा? Particles जो हैं, electrons जो हैं, yes, उनकी speed बढ़ेगी. Temperature बढ़ाने से they will gain the speed. They will gain the speed. They will collide with each other as well as with the walls of the container. That is what the Dalton's theory said. है ना, डाल्टन थ्योरी 9th क्लास में पढ़ाते हैं हम आपको. उसमें क्या करते हैं? ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग, मीन फ्री पाथ कराते हैं हम. दे कीप ऑन कलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. किसकी आवाज आ रही है? म्यूट योर सेल्फ. ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली एंड दे आर कलाइडिंग विद ईच अदर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी स्पीड बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी तो उनकी कोलिजन बढ़ेगी. कोलिजन बढ़ेगी, एक दूसरे से टकराएंगे ज्यादा. टकराना मतलब रेजिस्टेंस होना ना, आपस में टकराव होना इज रेजिस्टेंस. रेजिस्ट करना एक दूसरे को, तो एक दूसरे को आपके मोशन को अपोज करना. तो जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा अपोज करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी.
So as I increases the temperature, the velocity of my particles, the velocity of my electron will keep on increasing. They will collide with each other as well as with the walls of the container and will increases the resistance. So the third part, if I increase temperature, resistance increases. Okay, done everyone. Fourth question, shall I erase? Move to question number 5. Question number 5 ka now. Chaliye. Let's get to question number 5. Question number 5 mein define resistivity. Kisi ne bhi definition theek nahi likhi. Kisi ne bhi. Kyun bhai? Kya hoti hai resistivity? It is the property of a material by virtue of which it opposes the charges. Okay, it is a property. Ye property hai na ek material ki. Silver ki resistivity is different, copper ki resistivity is different. So it's a property of a material by virtue of which it resists the flow of charges. So write down the definition with me. Main board pe likh rahi hu, mere saath saath likhenge. I'll erase question number 4. Question number 5. Resistivity is property of material by virtue of which it opposes flow of charges. ओके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ओम मीटर. यस परफेक्ट. इट्स ओम मीटर. द एसआई यूनिट इज ओम मीटर. एंड नाउ आगे पूछा है टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स. कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? फर्स्ट इट डिपेंड्स. यस परफेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन नेचर. एंड नो रेजिस्टिविटी. नो नो नो. ये एक दूसरे के आंसर्स कॉपी करते हो तो ओके. नाउ एवरीवन विल सेंड द आंसर्स इंडिविजुअली टू मी ऑन माय नंबर. है ना, नोबडी विल सेंड द आंसर्स ऑन द ग्रुप. बिकॉज एक ने जो आंसर लिखा वो सबका वही आंसर होता है. एग्जैक्टली सेम. ना आगे पीछे लैंग्वेज भी नहीं बदलते हम. है ना, सो नोबडी विल सेंड द आंसर्स टू मी ऑन द ग्रुप. यू विल सेंड द आंसर्स इंडिविजुअली टू मी. लेट मी सी आपने क्या समझा. ना एक दूसरे के आंसर कॉपी करना इज नॉट अ सॉल्यूशन. नोबडी इज गोइंग टू कम एंड शो देयर शीट्स इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टू यू. ना कोई नहीं आने वाला है बोर्ड में शीट दिखाने के लिए. ठीक है, लेट्स नॉट कॉपी ईच अदर आंसर. इंडिविजुअली अपने अपने आंसर्स मुझे भेजेंगे सो दैट आई अंडरस्टैंड आपको कितना समझ में आया. दूसरे वाले को तो क्या समझ में आया वो तो ठीक है, वो तो जो फर्स्ट जिसने आंसर भेजे वही आंसर सारे लिखते हैं. उसके बाद बैक टू बैक सबके आंसर सेम है, कुछ फर्क नहीं है. फिर देखने का कोई फायदा नहीं है मेरा. वो एक ही के आंसर देख लो बस, खत्म बात. क्योंकि सबने सेम लिखना है. हां जी प्रज्ञा बेटा, यही लिखा था आपने, है ना? क्या है इसका आंसर वैसे? क्या फैक्टर्स होने चाहिए? यस, द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर. सो राइट डाउन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकेंडली ऑन टेम्परेचर. सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. शैल आई इरेज दिस? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. चलो लेट्स गो अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? मुझे तीन रजिस्टर दिए थे, 5, 8, 12. मुझे लगता है परसों की क्लास आधे बच्चों को समझ नहीं आई. नहीं आई ना? यस और नो, सच बोलना. नहीं आई ना? सीरीज नहीं समझ में आया क्योंकि क्वेश्चन गलत करे हुए हैं.
क्योंकि न्यूमेरिकल गलत करा है, तो वो देख के समझ में आता है कि कुछ समझ नहीं आया है ना। पिछली क्लास अगर हमें समझ आई होती तो ये न्यूमेरिकल ठीक होता, पिछली क्लास क्योंकि समझ नहीं आई इसीलिए ये वाला न्यूमेरिकल गलत था। सो प्लीज नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये न्यूमेरिकल मुझे ध्यान से सुनेंगे और दोबारा से समझेंगे। अगली बार मैं दोबारा से जब दोबारा नेक्स्ट शीट बना के दूंगी होमवर्क की, उसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस फिर से दूंगी टू गॉट टू नो कि अब समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, तीन रेजिस्टर्स हैं मेरे पास और मैंने एक बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की, साथ में एक की जो कि क्लोज्ड है, सो दैट द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन माय सर्किट। आई हैव अ 6 वोल्ट बैटरी एंड आई सपोज द करंट आई इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, नाउ व्हाट आई एम सपोज टू कैलकुलेट इज, मुझे कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर मुझे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है तो वो निकालने से पहले मुझे क्या करना चाहिए था? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, 6 वोल्ट की बैटरी उठा रहे हो 8 ओम के रेजिस्टर को, वी इज इक्वल टू आई आर। अरे भैया पूरे सर्किट में जब तीन रेजिस्टर लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही तो करंट सर्किट में आएगा, हाँ या ना? तो पहले क्या निकालूं, अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालूं, पहले क्या निकालूं, अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या रेजिस्टेंस इन सीरीज। और जब भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए तो लिखिए अफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू 5 + 8 + 12 विच इज इक्वल्स टू 8 और 12 20 20 और 5 25, सो 25 ओम। अफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आती है, 25 ओम। ओके, चलिए अब निकालेंगे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, वोल्टेज कितनी लगाई है बैटरी की, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, सो आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, वी कितना है 6 और ये आर क्या है, आर सीरीज, ये आर क्या है, आर सीरीज या अफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या लिखो इसकी जगह, 25। ठीक है, तो ये 6/25 एम्पियर मेरा करंट फ्लो करेगा जब भी इस तरीके की वैल्यूज आए, जहां तक कटता है वहां तक काट के उतने में ही छोड़ दो, डेसिमल्स में जाने की जरूरत नहीं है, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। पेपर में भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और मुझे करंट निकालने को बोलता है और जहां तक मुझसे कट हो वहां तक कट करके इसको अगर इस फॉर्म में भी छोड़ोगे तो नोबडी विल कीप इट रॉन्ग, कोई इसको गलत नहीं करेगा, इट्स अ करेक्ट आंसर, इट्स फाइन टिल दिस पॉइंट, यू गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। ओके, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम वाइल डूइंग दोज कैलकुलेशंस एंड फाइंडिंग आउट दी डेसिमल प्लेसेस जो कि आपसे नहीं निकलते ठीक और वो आप गलत कर देते हो, वो गलत करने से अच्छा है जो लिखा है वो ठीक लिखो, ठीक है, सो दैट विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस ना। मेरी मार्किंग स्कीम है ये, सर्किट डायग्राम बनाने का एक नंबर है, ये करंट निकालने का एक नंबर है और उसके बाद अगले पार्ट में 8 ओम के रेजिस्टर के लिए एक नंबर है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, सर्किट बना दिया मैंने, करंट की डायरेक्शन दिखाई 1 नंबर, ये निकाल दिया 2 नंबर, आगे वोल्टेज निकाल दी 3 नंबर। ठीक है, तो मैं अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलू, मुझे आगे डेसिमल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, गलत मत करो, फिर वो चीजें गलत करते जाओगे, फिर डेसिमल को मल्टीप्लाई करते रहोगे वी के लिए, फिर गड़बड़ होगी, कोई फायदा नहीं, लेट इट बी हेयर ओनली, यहीं पे छोड़िए इसको। करंट निकालने के बाद लेट्स गेट टू द वैल्यू ऑफ 8 ओम रेजिस्टर के पास क्या निकालनी है, पोटेंशियल ड्रॉप। जब मैंने डेरिवेशन कराई थी तो क्या लिखा था, यहां पे लिखा था V1, यहां पे लिखा था V2, यहां पे लिखा था V3। V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, V2 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टर, V3 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है, V2 निकालना है। हाँ, तो राइट डाउन व्हाट इज V2, V2 इज IR2,
क्योंकि मैं तीनों में से सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटीज को नंबर दूंगी, एक फिजिकल क्वांटिटी को एज सच छोड़ूंगी, उसको कोई नंबर नहीं दूंगी, है ना। सो व्हाट इज वी टू, वी टू मुझे चाहिए, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मुझे पता है 6/25, आर टू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 8, 6 जा 48, 48/25 वोल्ट, ये मेरा वी टू, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्लीज नोट करेंगे एक बारी, क्योंकि ये सबका गलत था। उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन कराते हो, करिए इसको नोट। डन एवरीवन, लिख लिया, ओके, शैल वी गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। आई एम इरेजिंग इट ऑन द बोर्ड, इरेज कर रही हूं मैं बेटा। ओके, लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या दिया है, मुझे दो रेजिस्टर दिए हैं और एक बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, अगेन विद अ की 20 वोल्ट, 6 ohm, 4 ohm, ये दो रेजिस्टर्स हैं। मुझे निकालना था अफेक्टिव रेजिस्टेंस और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये क्वेश्चन ठीक था, बट स्टिल मैं एक बार इसको भी सॉल्व कर रही हूँ बोर्ड पे, ताकि अगर किसी का भी कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो जो रह गया हो तो वो सॉल्व हो जाएगा। फिर विल मूव टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, अफेक्टिव रेजिस्टेंस RS is R1 plus R2 which is equal to 6 plus 4 which is equals to 10 ohm, ये निकालना था मुझे। उसके बाद बोला है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट V is equal to IRS, वोल्टेज कितनी है 20, करंट मुझे चाहिए, अफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरी 10, सो करंट इज इक्वल टू 20/10 which is equals to 2 ampere, सो ये मेरे आंसर्स। ओके, डन एवरीवन, डन, इसको नोट करेंगे। इसके बाद मैं मीटिंग को एक बार एंड करूंगी, वी विल स्टार्ट अ मीटिंग अगेन एंड देन विल गो अहेड विद पैरेलल। तो क्विकली इसको नोट कर लीजिए, फिर आई रेज इट, कर लिया। लिख लिया बेटा, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूं, फिर आई सेंड यू वन मोर सिग्नल, उससे उसको मीटिंग आईडी को ज्वाइन करेगा। ओके, बाय।
Okay. Shall we start? Is being audible to all? Okay guys, shall we start now? Chaliye, the board is visible. Let's now begin with a new topic, resistances in parallel. Aaj hum resistances in parallel karenge, kuch numericals karenge aur ghar se practice ke liye series aur parallel dono ke numericals practice karenge. Paper mein dono ke combination se bhi question aata hai na, resistances ko series mein lagao, resistances ko parallel mein lagao, uske combination mein kaafi questions aate hain. तो प्लीज आप ये वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से करिएगा. लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल. ओला है, सब आ गए हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया. लेट मी जस्ट चेक वंस, एक बार मैं देख रही हूं. ओके, रतन, पूर्वी, प्रेक्षा, प्रज्ञा, कृष्ण, कीरत. ओके, वन इज लेफ्ट. Shall we begin? Karen, start. Okay. Done. I guess now all are here. Let's now begin with the next topic. Expression for resistances in parallel. Expression for resistances in parallel. Let's go ahead with resistances in parallel करेंगे हम. रेजिस्टेंसेस कैसे पैरेलल में, अभी तक हमने सीरीज में लगाए थे, मतलब सारे एक साथ थे, और मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था, हम दिवाली की जो लाइट्स लगाते हैं उसमें रेजिस्टेंसेस पैरेलल.